नमस्कार, मैं पीयूष पंत झंझवार के लिए। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका नाम जो है नॉमिनेट किया गया है 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये उनका नाम जिसने नॉमिनेट किया है वो जो है कि नॉर्वे के एक सांसद हैं, वहाँ की जो दक्षिणपंथी पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी उसके सदस्य हैं, उनका नाम है क्रिस्टिन टाइबरिंग जेडे। उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे बढ़ाया है। 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज मिलेगा उसके लिए इसको लेके जो है कि बहुत सी चर्चाएं हैं और काफ़ी कुछ जो है सोशल मीडिया में भी चर्चाएं हैं और ट्विटर में भी काफ़ी कुछ जो है इसमें बहुत सी खिल्ली भी उड़ाई गई और बहुत तरह के कमेंट्स भी आए उसमें, और लगातार ये चर्चा चल रही है और एक बड़ा हास्यास्पद तस्वीर लग रहा है कुछ लोगों को। और ये कुछ उसी तरह लग रहा है कि जिस तरह से जो है लगातार जिस तरह की जो भावभंगिमा रहती है, जिस तरह के जो स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और जिस तरह के एक न्यूक्लियर पावर होने का दम भरते रहते हैं, उसको लेते हुए उनका इस तरह का नॉमिनेट होना कहीं ना कहीं लोगों को लगता है बड़ा आश्चर्य और हंसी भी आती है। कुछ उसी तरह कि अगर जो है मोदी जी का नाम जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कोई जो अंतर्राष्ट्रीय जो है सेकुलरिज्म के ऊपर अगर नोबेल प्राइज उसके लिए उनका नाम दिया जाए तो वो बड़ा हास्यास्पद लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं जो है खुद ही इस बात को जो है पीछे से आगे बढ़वाते हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले भी जो है कि यही जो सांसद थे इन्होंने 2018 में भी जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम जो आगे बढ़ाया था, उनको नामित किया था। और उनका कहना था कि जिस तरह से कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का जो वैमनस है, जो उनकी तनातनी है, उसको दूर करने के लिए, उनके बीच में एक शांति पैदा करने के लिए, जिस तरह से एक समझौता बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, उसके एवज में उन्हें जो ये है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खबर तो ये भी थी नोबेल कमिटी है उसने बाद में जो है कि जो उनका एंडोर्समेंट था डोनाल्ड ट्रंप का उसमें उसको भी फर्जी पाया, उसको ये बात उठी भी और ये पता लगा कि कहीं वो जो है वहीं अमेरिका से ही इस तरह की ये जो है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। हालांकि वो बात बाद में बहुत आगे बढ़ी नहीं और दबा दी गई। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि लगातार और भी लोग हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक टीस है, ये नोबेल पीस प्राइज मिले उनको मिले, इसीलिए आप देखिए लगातार वो कहीं ना कहीं जो है कूद पड़ते हैं मैदान में और देशों के बीच में जो है एक दूसरे देशों के बीच की तनातनी जो होती है उसके बीच में एक शांति दूत के रूप में वो कूद पड़ते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से जिस तरह से भारत और चीन के बीच में जो काफ़ी माहौल गर्म हो रहा है पूर्वी लद्दाख में, उसको लेके जो टेंशन चल रहा है, अभी जो हाल में जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो तो हालात ख़राब हैं लेकिन वो तैयार हैं कि वो जो है उसमें बीच में अगर समझौता करा सकें, कोई रास्ता निकाल सकें। इसी तरह आपको याद होगा पहले कश्मीर के मामले को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो मेडिएशन करने के लिए तैयार हैं, बीच बचाव करने के लिए तैयार हैं, कोई समझौता, ये उनकी एक इच्छा है लगातार जो है। और चुनाव से पहले खासकर वो इसी तरह अफगानिस्तान में वो जो चाहते थे कि जो है वहाँ से अमेरिकी सेना वापस आ जाए लेकिन वहाँ से तालिबानों के साथ समझौता हो जाए ताकि वो जनता से कोई बात कह सकें और वाही लूट सकें और चुनाव जीत सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तालिबान के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया। इसी तरह देखिए फिलिस्तीन का मामला था वो भी वो नहीं कर पाए उस बात को लेके। लेकिन ये बात जो है ये जो नॉमिनेट किया गया उनको, खासकर जो वो सांसद है उन्होंने कहा है कि जो यूएई और इसराइल के बीच में जो अभी हाल में जो है जो पिछले महीने जो एक समझौता हुआ है और उनके बीच में एक संबंध सुधरे हैं उसके संदर्भ में ये नॉमिनेशन उनका किया गया है। और ये जो यूएई और जो इसराइल के बीच में एक हुआ जिसके एक उनकी अब जो है हवाई सेवाएं भी शुरू हो गई हैं, कम्युनिकेशन भी शुरू हो गए हैं अभी 13 अगस्त से, और अभी जो है 15 सितंबर को जो है उनके बीच में एक लिखित समझौता होने जा रहा है। तो इसको लेते हुए पहला यूएई तीसरा जो अरब देश है जो इसराइल के साथ उसने अपने संबंध बेहतर किए हैं और बनाए हैं। इसके पहले जो है इजिप्ट और जॉर्डन
के भी इसराइल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक हमेशा से एक टीस है उनके मन में कि किसी तरह उनको जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, क्योंकि अगर देखिए ये बात कई बार सामने आई भी है, उन्होंने ये बात गाहे बगाहे जो है वो कहते रहे हैं वो लगातार, वो बल्कि ये तो वो उनके अंदर ये टीस भी है कि बराक ओबामा को क्यों मिल गया ये और उनको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं और टी से वो उसको वो जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी अव्यक्त करते रहते हैं। वो तो कहते भी रहते हैं कि बराक ओबामा ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो एकदम प्रेसिडेंसी में चुनने के बाद ही जो है उसके 9 महीने के अंदर ही उनको ये दे दिया गया, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया एक प्रेसिडेंट के रूप में। वो तो यहाँ तक कह गए थे कि उनको जो है वापस भी कर देना चाहिए। अभी उन्होंने जो है अपने चुनावी एक रैली, चुनाव शुरू की ही एक रैली थी, पार्टी की रैली थी, उसमें ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नोबेल पीस प्राइज, आई मेक अ डील, आई सेव द कंट्री एंड आई जस्ट द हेड ऑफ दैट कंट्री इज नाउ गेटिंग द नोबेल पीस प्राइज फॉर सेविंग द कंट्री, दैट्स द वे इट इज, आई सेव्ड अ बिग वॉर, आई हैव सेव्ड अ कपल ऑफ देम। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस है जिसके लगातार उनको लगता है कि ये प्राइज उनको जरूर मिलना चाहिए। तो ये ट्रंप को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ फेयर नहीं है, जो नोबेल पीस प्राइज देने वाली जो कमेटी है वो पक्षपात कहीं करती है और लगातार जो है उनको नेग्लेक्ट कर रही है। उनके मन में ये गुस्सा भी है और जिसको वो बराबर लगातार इजहार इसका करते रहते हैं। लेकिन जो है कि फिलहाल जो है क्योंकि नोबेल पीस प्राइज काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो अल्फ्रेड नोबल के नाम से है जिन्होंने डायनामाइट का इजाद किया था, उन्होंने उनके नाम से ये है और जो वो फंड उसके लिए क्रिएट किया गया था उसके जो है 6 वो जो है ये प्रेस्टीजियस जो है प्राइजेस मिलते हैं, जिनमें एक पीस के लिए मिलता है साइंस के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए मिलता है और लिटरेचर के लिए मिलता है। तो ये इस तरह के हैं। इकोनॉमिक्स का हालांकि बाद में जुड़ा लेकिन वो एक उसको नोबल की कैटेगरी में नहीं माना जाता है, लेकिन वो भी बड़ा प्रेस्टिजियस होता है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है, इसलिए उनको लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को, खासकर अब जबकि चुनाव है नवंबर में, उन्हें लगता है कि इस तरह की चर्चाएँ हों जहाँ उनको इस तरह काबिल माना जाए। और उन्होंने बहुत कुछ किया, वो लगातार कहते रहते हैं, खासकर कोरियन पेनिनसुला को, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की वो बात करते हैं कि उसके लिए उन्होंने बहुत अहम भूमिका एक खेली है, हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला, शुरू में लगा शायद कुछ होगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये जो उनकी एक कहीं ना कहीं खीज है, जो उनकी कहीं ना कहीं जो एक इच्छा है, हम कहें महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, जिसके चलते जो है ये इस तरह के जो है वो अपने नॉमिनेशन करवा रहे हैं लगातार। एक बार तो फेल हो चुके हैं वो, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि 2019 में उन्होंने कहा था कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर अबे, उन्होंने भी जो है उनको नॉमिनेट किया है इस प्राइज़ के लिए। तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं एक टीस है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर और वो किसी न किसी तरीके से जो है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज है अपने खाते में डलवाना चाहते हैं। इसके लिए तमाम जो लॉबिंग तो होती सबको पता है, वो लगता है मुझे वो भी उसका सहारा वो लेने की कोशिश करते हैं और सब कुछ, फिर भी अभी तक उनके हाथ में ये आया नहीं। अब देखना ये है कि 2021 का जो है कि अभी जो है कि 2020 का तो अभी 11 अक्टूबर को अनाउंस होगा, लेकिन 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है तो क्या उनको मिल पाता है नहीं मिल पाता है ये भविष्य में ही पता लगेगा। फिलहाल लेकिन ये साफ दिखाई देता है कि एक उनके अंदर एक बहुत ही एक छटपटाहट है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, वो अपने को एक बहुत बड़ा आदमी, एक महान आदमी सिद्ध करना चाहते हैं, एक रियल इस्टेट वाले हैं वो, जबकि और वो उनके जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो जिस तरह से वो एड्रेस करते हैं, जो रेशलिज्म उन्होंने पैदा किया है, जो अश्वेतों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया है, मैक्सिकन के खिलाफ जिस तरह एटीट्यूड दिखाया है, वो सब कुछ देखते हुए वो बहुत ही मतलब उनका कहीं ना कहीं इस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं बनता है कि अपेक्षा की जाए कि उन्हें इस तरह का कोई प्राइज मिले। लेकिन फिर भी जो उनकी एक जो है इच्छा है, वो चाहते हैं अपने को महान बनाना और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये नॉमिनेशन भी जो है उसी प्रयास की एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पीस प्राइज किसे मिलता है, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।